मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार आपके बीच में पधार चुके हैं और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य उन्हें मंच तक लेकर आ रहे हैं और जैसे ही अपना स्थान ग्रहण करें, दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, आपके बैठने का इंतजाम है। जैसे बहुत ही सम्मान के हो आज करनाल जाट भवन के पावन प्रांगण पर दीन बंधु सर छोटू राम जी को नमन करते हो। सभा के तमाम सदस्यों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद डॉक्टर केसी बांगड़ जी, कीर्तन राठी जी, प्रेम शाहपुर जी, सभा के प्रधान राठौर साहब, सभा के तमाम सदस्यगण और करनाल जिले के सभा के तमाम मेम्बरान साथी और खास तौर पर आज यहाँ पर सम्मानित होने वाले सारे युवा साथी और हमारी बक्सीना की या बड़ा की बक्सीने की हमारी जो महिलाओं की टीम आई थी, मैं तमाम पत्रकार छायाकार साथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि समय निकाल कर आप लोगों ने आने का काम किया और एक बेहद ही अच्छा कदम सभा द्वारा उठाया गया, जहाँ पूरे जिले में जो जो छात्र छात्राएं खेल में शिक्षा में नए मुकाम को हासिल करके आए, चाहे वो शहरी स्कूल के हो चाहे वो गांव के स्कूल के, आज सबको बराबर इस मंच पर लाकर सम्मानित करने का काम और ये जरूरियात है कि हम सब मिलकर ऐसी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन भी, उनको आगे बढ़ाने का काम भी करें कि आने वाले समय में वो अपनी अपनी फील्ड में एक नए मुकाम पर पहुंचने का काम करें। मैं तो दोबारा सभा के तमाम सदस्यों को बधाई देता हूं कि उनने दीन बंधु सर छोटू राम जी को याद करते हुए तो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री भी बताने का काम किया कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों कैसे कमेरे की किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया और लड़ाई नहीं समाज के उद्धार के लिए कैसे नहरें जोड़ने की बात हो चाहे भाखड़ा नंगल डैम बनाने की बात हो चाहे अंग्रेजी रियासतों से लड़ने की बात हो, हर प्रकार से अपने क्षेत्र के अंदर एक नए मुकाम को, उस समय जब हालात प्री इंडिपेंडेंस ऐसे थे कि आवाजों को दबाया जाता था,
उन अधिकारों को छीन कर लाने का काम किया। और आज की परिस्थिति में भी युवा पीढ़ी हर कठिन परिस्थिति से लड़कर जो एक नए मुकाम को छू रहे। अभी मैं देख रहा था हमारे छोरी 98% लिए बैठी, 98.6, तो मैं क्या उसको, मगर इतने मार्क्स ना लाए करो, हमें भी शर्म आ जाती है। मेरे को ताऊ बन गए एक मिलिया कैट लगे, इतने तो हमारे पूरे गांव के मार्क्स आया करते थे नहीं आया करते थे, मगर देखो बच्चों ने कितना अपने आप को उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ाया कि आज दिल्ली वाले लोगों को भी हम कम्पीट करते हैं। हमारे बच्चों को आज मैं देख रहा था कम से कम 8-9 तो दादा पिता अवार्ड लेने आए, बच्चे कहाँ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बॉम्बे पढ़ रहे हैं। तो ये तो परिस्थितियां बदली है, ये आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से कि बच्चों का आपने हौसला निरंतर बढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने एक नया मुकाम छूने का काम किया। और बढ़ोतरी की भी जरूरत है। ये संस्था वाले तो मेरे को कहने लगे, मैं कह जी बताओ के दे के जाऊं, कह जी ये पेंट करा दे, देख लो बिल्डिंग की हालत के, पेंट करा दे। मैंने बताओ बच्चों का प्रोत्साहन करो, इनका पेंट करवाओ। सारा समाज बैठा है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों का प्रोत्साहन करना चाहिए पेंट कराना चाहिए। फिर मैं एक काम कर देता हूँ, ये दादा वो कर रहे थे, फिर भी मैं उससे फालतू करके जाता हूँ 15 लाख रुपए तो यहाँ पर मॉडल लाइब्रेरी। और कह रहे हैं भी यहाँ पानी की टैंकी ली है, उसका जो खर्चा वो मेरे खाते जोड़ रहा है। और साथ में क्योंकि हमारी कई छोरियां रेसलिंग के अंदर आगे आई है, अपने यहाँ पर अगर हॉल है तो कोच रख लो, रेसलिंग का मैट मैं बिछा दूंगा, व्यवस्था ऐसी बनाओ तो शहर के अंदर आकर बच्चे खेलों से जुड़ने का काम। आपके पास तो ओपन ग्राउंड भी और अंदर बड़ा हॉल भी, तो रेसलिंग के गेम के लिए कोच संस्था जोड़ ले, मैट मैं भिजवा दूंगा और बढ़िया यहाँ पर अकेडमी चलाने का काम करो। दोबारा तमाम करनाल जिले के लोग आए, तमाम हमारे इस संगठन के समाज के सदस्यगण, मेम्बरान, प्रधान, ट्रेजरर, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जिले की एक एक हीरे मुट्टी को जिन्हें अपने अपने क्षेत्र के अंदर नया मुकाम छूने का कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी धन्यवाद करेंगे, सभी भाई खाना खा के जाएंगे, कोई आदमी बिना खाए। आज के दिन बंधु शब्दों में हम